हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ भजिया। तो यहाँ पे मैंने सारे सामान एक साथ रख लिया, आप लोग मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है और किस तरीके से मैं बना रही हूँ। बस ये भजी बनाना तो सबको आता है, और बट बोलते किसी के हाथ में बहुत टेस्टी बनता है, किसी के हाथ में नहीं बनता। मैं अभी बना के खा के देखती हूँ कैसे बनता है मेरे हाथ में। एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। मैं प्याज ली हूँ, ये लहसुन है, ये थोड़ा सा इनो है, और ये मिर्च और धनिया है। अब मैं इसमें सॉल्ट और हल्दी ऐड करूंगी। सॉल्ट और हल्दी को मैंने अच्छे से ले ली हूँ, अब इसको मिक्स करना है। देखिए ये अच्छे से मिक्स कर ली हूँ पूरा बैटर को। अब बनेगा भजिया, मजा आएगा खाने में। चलो अब तेल गरम कर लेती हूँ। मेरे पास ना रिफाइंड ऑयल खत्म हो चुका है, तो मैं सरसों के तेल में भजिया बनाने वाली हूँ। क्या करूं, तेल खत्म हो गया अभी, तो मेरे पास फिलहाल भी सरसों का तेल ही है, उसे मैं बनाने वाली हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें देने वाली हूँ तेल। सरसों का तेल से भजिया बनाऊंगी आज, तो ये रिफाइंड तेल खत्म हो गया। ये चलो अच्छा खासा दी हूँ। बस मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भजिया खाने के लिए। ये तेल भी गर्म हो चुकी है, अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें देती हूँ प्याजी भजिया। किस किस को भजिया पसंद है जरूर बताना कमेंट करके। ये मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। अब इसके बाद ये बन जाएगा, फिर चटनी भी बनाऊंगी, धनिया पत्ती टमाटर लहसुन की चटनी। चलो अब इसको पलटा जाए। भजिया को मैं अच्छे से पलटा दी, थोड़ा आंच तेज था इसलिए जल गया है। मैं यहाँ पे भजिया बना रही हूँ, तो मेरे यहाँ से खुशबू उड़ते उड़ते प्रीति के नाक में गई है, तो भी आई हुई है भजिया खाने के लिए। हाँ बेटा, आ रही हूँ। मेरी बेटू भी उड़ गई है। ए बेटू आ जा, आ जा, आ जा। मेरी बेटी भी उड़ गई भजिए की खुशबू से। आ जा, आ जा। मामे, आसो आसो, आ जा मम्मी के पास। देखो मेरी खुशबू इतनी जोरदार है भजिए की। प्रीति अपने घर से आ गई, मेरी बेटी नींद से उठ गई है। अभी हम लोग सब साथ मिलके भजिया खाएंगे ना मम्मी। हाँ बोल रही है, फोन रख देती हूँ। देखो मम्मी भी भजिया कैसे बनाएगी बताओ। देखो सो रही है। हाय, थक थक थक, धर बेटा धर बेटा धर बेटा, मामा आप पड़े जाओ। शिशु भी एकदम जिद कर रही है, गोद से नीचे उतरेगी नहीं ना। मामा मम्मी उतरो, गोद से उतरो ना, चेयर में बैठो। छिटकता है हाँ। अभी बस ये बन जाएगा, उसके बाद बनाऊंगी मैं टमाटर की चटनी। भजिए से ज्यादा महंगा टमाटर की चटनी। ये बन गई है, बस इतना ही बना पाई हूँ, क्योंकि यीशु बनाने नहीं दे रही थी, एकदम जिद कर रही थी। अब मैं बनाने वाली हूँ चटनी, तो चटनी कैसे बनाते आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये धनिया है, और ये टोमेटो है, दो ठो लहसुन है, और मिर्च है। बस इसी से बनेगी चटनी हमारी। मिर्च दे देंगे, टोमेटो दे देंगे, और लहसुन दे देंगे, और धनिया दे देंगे। जल्दी से मैं इन सबको ग्राइंड कर लेती हूँ। हमारी बन गई है, अब इसमें डालेंगे, टेस्ट के पर्पस से सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब नमक वगैरह कैसा है थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसा खट्टा बस तीखा बस नमक। चलो अब भजिया भी रेडी, चटनी भी रेडी। कैसा बना है बताओ? अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है, मतलब है ना, बारिश में ये बना के नहीं खाते क्या है। भजिया पार्टी हो चुका, अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। ये भी सज रही है, मेकअप कर रही है, अभी हम लोग रील्स शूट करने वाले हैं। साथ में हमारे एंजल भी है ना? हाँ, तो ये भी तैयार हो रही है, ये होगी तैयार, उसके बाद मैं तैयार होंगी। हम लोग आज जीन्स पहन के, आज हम लोग वेस्टर्न वेयर में डांस करेंगे। सास बहू
पति पत्नी बहुत डांस हो चुका है, आज हम लोग सहेली सहेली डांस करेंगे, बंधु वाला डांस करेंगे, बंधु वाला गाना में डांस करेंगे। तुम्ही हो बंधु, एक कोरियोग्राफर यही मुझे सिखाएगी, हमें तो नहीं आता बाबा। इसका मेकअप होगा फिर हम करेंगे। अभी आ गई हूँ रिंग लाइट के पास, देखिए ढोक से गोली लग रही है। तो इसको बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है, इसको जाना है अपने भाई के पास, बुला रहे यार पे छोड़ना है। तो वो आ रही है, तो मेरा आंख वाक इतना दर्द दे रहा है, सर भी दर्द दे रहा है, लेकिन रील्स बनाना जरूरी है। अभी रील्स मैं बीच में कंटिन्यूसली बनाई थी, तो सब्सक्राइबर अच्छे गेन हुए थे और रील्स आप लोग पसंद भी किए थे। तो मैं बोल रही किस बार थोड़ा सा अलग टाइप का रील्स किया जाए। तो ये मैं ये टॉप पहनी हूँ और ये जीन्स पहनी हूँ, ये मेरा गेटअप है। हम लोग आज जीन्स टॉप पहन के डांस करने वाले हैं। मेरा रिंग लाइट ना थोड़ा छोटा हो गया ऐसा लग रहा है ना, उतना फोकस ना दूर, मैं अगर इतना दूर आऊँगी ना तो ख़त्म फोकस रिंग लाइट का, पास में हूँ तो ही होता है। तो शायद बड़ा सा खरीदना था, मैं समझ नहीं पाई ना पहली बार खरीदी हूँ। कोई बात नहीं, वो गई है, मुझे बोली स्टेप याद करो, मुझसे स्टेप स्टेप नहीं होता डांस का। प्रभु कितना कठिन स्टेप दी है, आप लोग को मैं करके दिखाऊँ। तुम ही हो बंधु सखा तुम्हें, बहुत टफ है तुम ही, ऐसे करके मेरे को याद नहीं हो रहा। उसको बोलूँ कि स्टेप चेंज करे, मेरे से नहीं होता है। मेन ये है ना कि वो कोरियोग्राफर है, डांस सिखा तो उसको अच्छा डांस तो आएगा ही, मैं नहीं कर पाती, मुझे स्टेप सिखा के गई है। जब यार भूल गई, जब यार करी पर वा मेरी, मुझे क्या परवास दुनिया। मैं बोल गई, वो आगे फिर मुझे डांटेगी आप स्टेप भूल गए। जग मुझे पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही सच में दुनिया की, नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। आ जाओ हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, मत देखना बेटा सामने, ठीक है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वह जस्ट घर आई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा घोल रख दी थी, मैं प्रीति खा लिए थे भजिया, तो थोड़ा सा घोल रख दी थी, तभी उसके लिए बना देती हूँ। तो रिशु भी खाना वाना सब चीज़ खा चुकी है, हमारा खाना खाना बचा हुआ है, तो जो घोल बचा है फालतू को वेस्ट हो जाएगा, और फ्रिज में रखने से कल बनाने से तो खा नहीं पाएंगे, तो भजिया बना देती हूँ। वो बोली मैं भजिया खा लूँगी। और भजिए को ना कभी आप लोग ना ऐसे नॉर्मल चावल के साथ भी, जैसे अपन वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं हमारे बंगाली में ना बेगुनी बोलते हैं, बेगुनी खाते ना चावल के साथ, तो भजिए को भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ा सा तेल में थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ भजिया। मेरे को बोलते तो क्या बोलते, बोली हाँ मैं भी कंजूस हो गई हूँ। क्या करें बताइए, मेंटेन हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है समय के साथ साथ। अभी एक पैकेट तेल लाई हूँ, मेरे को थोड़ा सा हिसाब से भी चलना पड़ेगा, क्योंकि राशन वाशन थोड़ा सा मेंटेन करके खाना पड़ेगा। वीडियो बनाने के लिए आ गई पीछे से। तू कहाँ थी? तो तेरे लिए भैया बना रही हूँ मैं, तो मैं गरम गरम खाऊंगी ना चावल के साथ। देखा चावल के साथ, बताए ना तो चावल के साथ है। चावल भी खाना हो जाएगा, भजिया भी खाना हो जाएगा। हाँ देख के पकड़ ना, पूछा कर। पांच भजिया बनाई, उसमें भी आप लोग को बुला दी है, 15,000 लोग है, कैसे आएंगे सब लोग? सबको एड्रेस पता होना चाहिए ना 15,000 लोगों में। जो आस पास के लोग ब्लॉग देख रहे हैं और लोग आ गए, फिर कैसे करेंगे हम? बहुत कंजूस है, बिल्कुल स्वागत है, हम बहुत कंजूस जानते हैं, बिल्कुल स्वागत है, बहुत कंजूस है हम किसी घर में जाता भी नहीं, किसी का खाता भी नहीं, किसी को देता भी नहीं। दुश्मा का स्वभाव है हमारा, मोस्ट वेलकम है, आप लोग आइए और आप लोग जो खाना मैं सब बना के खिलाऊंगा। भजिया खाएंगे, क्या खाएंगे सब। Yes. देखा बेसन को भिगा के रखी थी, एक घंटे से बेसन लोतर पुतर गिर जा रहा है सब, ये देखिए कैसे गिर जा रहा है लोतर पुतर। मैं पानी पानी हो गई, भजिए की तरफ से वो गाना गा रही है। अरे भी अभी अथर्वा आई थी कमेंट करने के लिए, बोलती है मैं जो कल कम्युनिटी में पिक डाली थी ना, तो बोलती है कि मैं तेरा जींस पहन के पिक डाली हूँ। तेरा जींस पहन के कौन सा कम्युनिटी में? तेरे कम्युनिटी में पिक डाली हूँ मैं, 3 साल पुराना पिक है ना, मेरे प्राणनाथ के साथ गई थी ना ये वाला। हाँ उसने कमेंट किया कि मैं तेरा जींस पहन के पिक डाली हूँ, ऐसा तेरा ही जींस है। उसके ऊपर मैं स्पेशली सिर्फ उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। उसको देखने
बनती बाद में उसको शर्म नहीं है फिर से आगे कमेंट करने के लिए। बहन दीदी मामी काकी मौसी आपके ऊपर जो वीडियो बनाई हूँ ना उसे मैं कमेंट करूँ ना, अलग वीडियो में आकर क्यों कमेंट कर रहे हो, क्या ही बताऊ। चलिए भैया, कुछ लोगों को खुजली होता है, भैया बन गई है और बस अभी खाना जी शुक्र तो खा चुकी है। आप सब ने मेरी बहुत तारीफ की, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, लग रही थी, अभी सब खूबसूरती चला गया मेरा, टेंशन से रो रो के सोच सोच के हेडेक ले लेके सर दर्द से माइग्रेन से बीमारी से साड़ी वाला मेरे हाँ मैं पहले खूबसूरत थी अब नहीं। बोलते ना टेंशन इंसान का बुढ़ापा ला देता है, वही हुआ मेरे साथ, टेंशन ने मेरी खूबसूरती छीन ली। तो भैया का क्या करेगी, स्नैप स्नैप ये मेरे स्नैप 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 मेरे को नहीं पता है, पता नहीं लोग क्या स्नैप बनाते हैं इतना स्नैप, बोलेंगे स्नैप बनाई बोलेंगे इतना कम तेल में भजिया बना रही है, बेइज्जती करवाएगी, स्नैपचैट है बीमारी बीमारी बेइज्जती करवाएगी, बोलेंगे तेरी दीदी इतने कम तेल में भजिया बना रही, बोलेंगे लोगों को भजिया खाने से मतलब है, कम तेल से बनाओ या ज्यादा तेल से बनाओ क्या होना भजिया बस। अरे नुजुमा जी आपका घी मेरे को याद है, घी जबरदस्ती खिलाने वाला घी, वो तो तुमको जबरदस्ती क्यों खिलाती थी मैं बताऊं, वो खराब मक्खन है ना, खराब मक्खन से घी बनाते थे, घी से था बास, अब वो खराब मक्खन का घी खाएगा कर, उनका बेटा खाता नहीं था, तो जब भी इसके घर जाऊंगी वो घी मेरे को जबरदस्ती दे देती थी, इतना सारा चीज बनाती थी उसमें उसको घी देना ही है मेरे को, मैं बोलती नहीं मेरे को घी नहीं चाहिए मैं नहीं खाऊंगी, नहीं उम्र को जबरदस्ती घी देगी ही देगी, उसके पीछे वही रीजन है क्योंकि अगर घी इंसान खाएगा तो सब्जी नहीं खाएगा, और घी ना खराब मक्खन मक्खन में फफूंद लग गया था, बोलते फेंकूंगी नहीं इसे घी बनाऊंगी, तो वही घी बना के आती थी तो उसको खिलाती थी, और सब्जी वगैरह नहीं लेती थी इसका जबरदस्ती घी खिलाई, तो मतलब मैं बोली भाई मैं नहीं खाना वो डालेगी, मैं मना कर रही हूं, देखिए जबरदस्ती फफूंद वाला घी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, पेट खराब हो जाएगा, उनका बेटा भी नहीं खाएगा पेट खराब, खाएगा कौन, तो मेहमान लोग आते थे तो घी डाल देते, मेरे को वो बनाती थी उल्लू बनाती थी और सब्जी पूरा बच जाता था, मेरे को उल्लू बनाती थी हाँ। अरे बहुत पिचाश थी, बहुत पिचाश, पिचाश मतलब क्या बोलते उसको पता नहीं, अनहाइजेनिक अनहाइजेनिक थी, जैसे मान लो आप लोग ये फिश है इसको दस अभी धोना है, क्या करेगी गैस को बंद कर, फिश को ना ऐसे पकड़ के देखेगी पूरा खून लगा पकड़ के, फिर इसको ऐसे ऐसे हाथ नाइटी में पोस देती। चलिए हो गया, बहुत तारीफ हो चुकी है।